नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, आज सागर में अत्याधुनिक दौर में सागर में एक नई शुरुआत हुई है। जी हाँ, सागर भी अब पीछे नहीं रहा। जी हाँ, स्मार्ट सिटी द्वारा शहर में विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को मोती नगर स्थित नरयावली नाका मुक्ति धाम में विद्युत सौदाग्रह का लोकार्पण नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। कार्यक्रम के दौरान नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा है, यह मुक्ति धाम शहर के अन्य शमशानों की अपेक्षा बड़ा है और यहाँ लगभग हर रोज 10 अंत्येष्टियाँ होती हैं। ऐसे में समय बचाने के उद्देश्य से इस सौदाग्रह का निर्माण किया गया है। इस सौदाग्रह का सपना समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर और समाज सेवी व राजनीतिक विट्ठल भाई पटेल ने देखा था, इसलिए यह सौदाग्रह हम उन्हीं को समर्पित करते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने बताया है कि लगभग 400 करोड़ के काम अभी शहर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से चल रहे, कुछ काम होगा। जैसे आज सौदाग्रह शुरू हो गया, ऐसे अनेक काम पूर्ण हो गए हैं और लगभग जो आने वाले समय में टेंडर प्रोसेस में है और जो काम होने वाले वो भी लगभग 400-300 करोड़ के आसपास के काम है और आगे भी इसके बाद जो काम और रह जाएंगे वो काम भी हम लोग लेंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 साल का विजन सागर का रखा है कि 5 साल में हमारा सागर कैसा होगा, उस संकल्प को हम सब लोग, हमारे विधायक जी, सांसद जी, हम सब लोग मिलकर उसको पूरा करेंगे और आने वाले समय में सागर, हम लोगों की कोशिश होगी कि प्रदेश के अच्छे शहरों में सागर को हम लोग सम्मिलित करेंगे। ये हम लोगों का प्रयास होगा।